नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, शिमला मिर्च की उन्नत खेती कैसे करें? यदि आप भी सितंबर अक्टूबर महीने में शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की साबित होने जा रही है। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बता दें कि शिमला मिर्च जो है काफी हद तक डिमांडिंग में रहती है। इसकी आप सब्जियों में से डाल सकते हैं या फिर सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं, सलाद बना सकते हैं या फिर इसका अचार डाल सकते हैं, इसकी सब्जी बना सकते हैं तो, और इसको मसाले में भी इस्तेमाल में लाने लगा है। तो कई तरीके के फायदे देखते हुए इसकी डिमांडिंग काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। तो आइए हम भी सीख लेते हैं शिमला मिर्च की खेती कैसे करें तो हमारी फसल भी अच्छे दामों में बिकेगी। और यदि आप इस मौसम में लगाओगे तो आने वाले मौसम में शिमला मिर्च जो है वो काफ़ी अच्छा पैसा आपके लिए दे जाएगी। तो सबसे पहले तो जलवायु की बात कर लेते हैं। देखिए, शिमला मिर्च जो है पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ पर गर्मियों के मौसम में इसको लगाते हैं और मैदानी भागों में गर्मी और बरसात दोनों मौसम में इसको लगा देते हैं। लेकिन आप इसको जब मौसम नर्म आर्द्र जलवायु हो और मौसम ना अधिक ठंडा हो, ना ही अधिक गर्मी हो, ना ही अधिक बरसात हो, मतलब सर्दियों का यदि नॉर्मल मौसम चलता है तो आप इसको लगा सकते हैं अपनी यहाँ के मौसम में, क्योंकि इसको पकने के लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। शिमला मिर्च के बीज अंकुरण के लिए 16 से 29 डिग्री सेल्सियस और पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए 22 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है और फलों के उचित विकास और परिपक्वता के लिए 28 से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक माना जाता है। शिमला मिर्च के लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो मिर्च की खेती करने के लिए बलुई दोमट मिट्टी या दोमट या चिकनी मिट्टी अच्छी मानी जाती है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की अच्छी मात्रा में मौजूद हो और जल निकासी भी बेहतर हो, वहाँ पर शिमला मिर्च की खेती करना अच्छा फायदेमंद सौदा कहा जाता है। और यदि आप जैविक खेती करते हैं तो कार्बन की मात्रा तो पर्याप्त रहेगी और आप इसकी पहचान भी कर सकते हैं। यदि इसकी पहचान कैसे करना है आपको देखना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आपके खेत में देसी तरीके से कैसे पता करेंगे कि कार्बन है या नहीं है, ठीक है। फिर शिमला मिर्च की खेती का समय उचित क्या है, तो हमने बताई थी आपके लिए शिमला मिर्च का जो उचित समय है वह तीन तरह का होता है। पहले तो अभी तो आप सितंबर अक्टूबर में लगा ही सकते हैं, लेकिन यदि हम आपको डायरेक्ट ऐसे बताएं कि सितंबर अक्टूबर में तुड़ाई करनी है तो कब लगाएंगे, तो नर्सरी को आपको डालना है जून जुलाई में और मुख्य खेत में जुलाई अगस्त में पौधा रोपाई कर सकते हैं। और नवंबर दिसंबर में तुड़ाई करना है, अगस्त से लेकर और सितंबर के बीच में आपको नर्सरी डाल देनी है और आपके मुख्य खेत में रोपाई हो जाएगी सितंबर अक्टूबर महीने में, ठीक है। फरवरी मार्च में यदि तुड़ाई करनी है तो नवंबर दिसंबर महीने में आपको बीज की रोपाई कर देनी है और खेत में रोपाई आपको दिसंबर से जनवरी के बीच में कर देनी है, तो 2.5-3 महीने के गैप से आपकी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। बात करें खेत के तैयार की, तो देखिए शिमला मिर्च की खेती करने के लिए सबसे पहले आपको खेत की तैयारी जो करनी है, रोपाई से पहले अच्छे से 3 से 4 बार खेत की जुताई आपको कर लेनी है। जुताई के पहले खेत में गोबर की खाद को अच्छी तरह मिलाएं, सड़ी हुई पची हुई खाद जरूर डालें। साल भर में एक बार भी अच्छे से सड़ी हुई पची हुई गोबर की खाद डाल देंगे तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद खेत में 90 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारियां बना लें। इसके पौधे की रोपाई दूसरे पौधे से लगभग 45 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए, मतलब पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखना है और एक क्यारी में पौधों की केवल 2 कतारें ही लगाई जाएगी। अब आप चाहें तो इसको क्यारियों में लगा सकते हैं, आप चाहें तो डॉलियों पर लगा सकते हैं, आप चाहें तो बेड़ बनाकर लगा सकते हैं। सिंचाई आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं और ड्रिप से भी दे सकते हैं या स्प्रिंकलर से भी दे सकते हैं, जिसको जैसे उचित लगे वैसे दे सकता है, लेकिन सही तरीका है ड्रिप वाला, जिसमें खर्च कम आता है, पानी की बचत भी ज़्यादा हो जाती है। बात करें कुछ उन्नतशील किस्मों की, ज़्यादातर किसान भाई बोलते हैं कि कौन सी अच्छी किस्म है, तो देखिए शिमला मिर्च की उन्नत किस्मों में येलो वंडर, कैलिफोर्निया वंडर, बुलनोज, अर्का मोहिनी, किंग ऑफ नॉर्थ, स्वीट बनाना, रूबी किंग, अर्का गौरव और पेपरिका के TPL19 आदि को ज़्यादा प्रचलित माना जाता है। इसके अलावा भी प्राइवेट कंपनियों की बहुत सारी किस्में मार्केट में उपलब्ध है, तो आपके यहाँ के मौसम को जो सुटेबल बैठ जाए वो भी आप चुनाव कर सकते हैं।
लेकिन जहां से भी जिस दुकान से बीज ला रहे हैं अपनी लोकेशन जरूर बताएं कि हम इस एरिया में लगाएंगे, क्या यहाँ का ये सूट हो जाएगी ना। क्योंकि ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे व्यक्ति मध्य प्रदेश में खेती कर रहा है, राजस्थान से बीज लेके आ रहा है, अब भाई वो वहाँ का जो मौसम टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए बीज को पहुँचा गया है, उसको रेडी किया गया है, लेकिन आपके यहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग है तो वो यहाँ पर नहीं मना, तो फिर आप दुकान वालों से बोलोगे। यदि लोकल में लेकर आ रहे हो, डिस्ट्रिक्ट तक लेकर आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि स्टेज चेंज कर रहे हो, स्टेट चेंज कर रहे हो, तो एक बार दुकान वाले से पूछ जरूर लेना आप, मालूम कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नुकसान से बचे रहेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं निंदाई गुड़ाई की। तो देखिए शिमला मिर्च में आपके लिए निंदाई गुड़ाई करवाना ही बेहतर रहेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या हम किसी खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखिए कर तो सकते हो आप, लेकिन उसमें आपकी फसल को झटका लगेगा, फसल की ग्रोथ रुक जाएगी, और आप जो दवा का इस्तेमाल करोगे उससे आपकी मिर्च की फसल भी मर सकती है। तो इसकी कोई गारंटी तो है नहीं कि खरपतवार ही मरेगा, मिर्च की फसल नहीं मरेगी, और आप कहाँ तक बचाओगे। यदि अति हो गया है खरपतवार निकालना और आपके लिए लग रहा है कि इसको खरपतवार निंदाई गुड़ाई से नहीं निकाल सकते, दवा ही सर्वश्रेष्ठ है, तो ही आप खरपतवार नाशी दवा डालें, अन्यथा समय समय पर आप इसकी खरपतवार निकालते रहें, निंदाई गुड़ाई करवाते रहें, ताकि फसल सुरक्षित बनी रहे और आपकी फसल प्रभावित ना हो। यदि कोई सी भी फसल है उसमें अधिक खरपतवार है तो भी फसल प्रभावित होती है, क्योंकि उसका जो फूल रहता है वो झड़ जाता है और फसल की ग्रोथ रुक जाती है, और जमीन का जो भी खाद है, उर्वरक है, वो खरपतवार खींच लेता है, तो फिर फसल को कुछ मिल नहीं पाता। इसलिए समय समय पर खरपतवार जरूर निकालते रहें, ठीक है। और कोशिश ये करें कि जैविक खेती करें, जैविक खेती में आपकी लागत भी बचेगी, प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा, और जहर मुक्त खेती भी आप कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें कई तरह के कीट भी लगते हैं, सुंडी लगती है, तना छेदक लगती है, फल छेदक सुंडी लग जाती है, थ्रिप्स लग जाता है, माइट्स का प्रकोप हो जाता है, मरोड़ या कुकड़ा रोग जो ज़्यादा फैला देता है, उकटा रोग भी लगता है इसमें, फिर इसके बाद में फंगस भी लग जाती है, फूल झड़ाने वाली भी दवाएँ आती है, तो ऐसी कई सारी दवाएं इसमें डाली जाती है। यदि आप चाहते हैं कि जैविक तरीके से इनका उपचार किया जाए, तो जैविक तरीके से कीटनाशी दवा कौन सी है, फंगिसाइड कौन सी है, उकटा के लिए कौन सी है, मरोड़िया रोग के लिए कौन सी है, जो कुकड़ा मरोड़िया रोग लगता है, सुंडी के लिए बेस्ट दवा, थ्रिप्स माइट्स के लिए बेस्ट दवा कौन सी है, जैविक हाई पावर कैसा है, जैविक खाद कैसा है, जो कि हम घर पर बना सकते हैं। यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो एक बार हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे, ठीक है। बात करें खेती में लागत और कमाई की, तो एक एकड़ जमीन में शिमला मिर्च की खेती करने का खर्च लगभग आपका ये मान लीजिए कि कम से कम 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कितना हो सकता है? 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट। यदि अच्छे तरीके से आपने किया और शुरुआत से लेकर आखिरी तक हार्वेस्टिंग तक आपने यदि किया, फसल की लास्ट में हकाई तक का इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं आपके लिए एक एकड़ खेत में, जिसमें आपकी प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट आपका ये मान लीजिए 1 एकड़ खेत में 8 से 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आराम से आपके लिए मिल जाएगा। लेकिन आपको भाव अच्छा मिलना चाहिए और आपकी फसल अच्छे से बनना चाहिए, सही बीज का चुनाव है तो रोग वायरस नहीं लगेगा, वहां लागत बच जाएगी और उपज अच्छी मिलनी चाहिए। यदि फल फूल अच्छा फला आपके लिए और भाव भी अच्छा मिल गया तो वाकई में आपकी इनकम हो जाएगी, अदरवाइज आपकी इनकम डाउन भी जा सकती है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि किसानों क्या करते हैं कि मेहनत तो अच्छी कर लेते हैं लेकिन उनकी फसल में फल ही नहीं लगा, उपज नहीं मिली, उपज जिस तरह मिल गई भाव नहीं मिला तो वहां पर मार्केट रेट डाउन हो जाती है। यदि 1 एकड़ में करेंगे तो ये आपका डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, हो सकता है कि 1 एकड़ में ही आपका 8-10 हेक्टेयर में 8-10 लाख निकले, या फिर 1 हेक्टेयर में आपका 2-5 लाख निकल जाए, क्योंकि कोई पता नहीं है ना इसमें कि आपकी फसल केयर किस तरीके से कर रहे हो। अभी आप लगा दोगे मौसम को ध्यान में रखते हुए सही चल रहा है, लेकिन उस टाइम पे सर्दियों में पाला गिरने लगा तो पाले से भी हमारी फसल जा सकती है, मिर्ची नाजुक होती है तो तुषार में भी जा सकती है, तो वो भी दिक्कत है, उससे भी बचाना पड़ेगा आपके लिए। फिर ज़्यादा ही पाला गिरेगा तो फूल भी झड़ने लगेगा, तो वहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन है, उपज है, वो भी कम निकलेगी। तो ये सब कुछ बातें ध्यान में रखी जाती है, यदि इनसे बचा जाए तो फिर फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित है और अच्छा प्रोडक्शन अच्छी उपज दे देती है।
उम्मीद है आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट हैं, किस तरह की जानकारी आपको चाहिए खेती किसानी से संबंधित, हमें कमेंट करें। और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।